अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टॉर्च बियर इंस्टीट्यूट, आज जो हम लेक्चर है हमारा वो स्पेशली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी इंटरमीडिएट करना चाहते हैं या इंटरमीडिएट कर रहे हैं या इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट के बाद का प्लान कर रहे हैं अपने कैरियर स्टार्ट करने का। तो व्हाट शुड स्टूडेंट्स डू आफ्टर पासिंग इंटरमीडिएट और HSSC? HSSC स्टैंड फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। यानी कि जो स्टूडेंट्स इंटर कर चुके हैं, इंटर पास करने के बाद वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फर्स्ट, ये जो मोमेंट होता है वेरी डिसाइसिव मोमेंट होता है कि आप FSC कर चुके होते हैं, अब आपने डिसाइड करना होता है कि आप किस फील्ड में जाएं, आगे फर्दर आप क्या स्टडी करें, मेडिकल कॉलेजेस में जाएं MBBS BDS वगैरह के लिए या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जाएं इंजीनियरिंग करने के लिए। या एक और जो सिचुएशन होती है वो ये होती है कि शुड डू एनी जॉब इन ऑर्डर टू सपोर्ट फैमिली। जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्विट करते हैं FSC के बाद और जॉब की तलाश में होते हैं कि हम फैमिली को सपोर्ट करें। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्हें जॉब की ज़रूरत होती है, तो ये बड़ा डिसाइसिव मोमेंट होता है इंटरमीडिएट करने के बाद। तो अगर स्टडी के लिए बात करें हम, तो क्या पढ़ना चाहिए स्टडी में। मेडिकल बैकग्राउंड, अगर आपने FSC प्री मेडिकल की है और मेडिकल की फील्ड में आपने जाना है, तो उसमें सबसे पहले MBBS है आपके पास, MBBS आप कर सकते हैं। BDS है, आप डेंटल सर्जन जो होते हैं डॉक्टर्स, वो BDS आप कर सकते हैं। थर्ड पे आप फॉर्म डी, जो पहले बी फार्मेसी होती थी, अभी वही नाम चेंज इसका हो गया है गुज़श्ता 5-6 साल से, और फॉर्म डी उसका नाम हो गया है। और उसके बाद वेटरनरी साइंसेज है, जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं वेटरनरी। तो ये मेडिकल बैकग्राउंड का हो गया। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड अगर आपका है, FSC प्री इंजीनियरिंग है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और इस तरह की इंजीनियरिंग की और फील्ड हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा BCom आप कर सकते हैं, सिंपल BA आप आर्ट्स के साथ कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BA ऑनर्स कर सकते हैं, BS, BScS, LLB, ये सारे आप FSC करने के बाद डिग्रीज कर सकते हैं। उसके बाद एसोसिएट डिप्लोमा आता है, 3 साल का है, वो मैट्रिक के बाद होता है। कई स्टूडेंट्स उसी को दोबारा FSC करने के बाद भी वो 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि अगर आपने FSC की है तो आप इन बैकग्राउंड्स में जाएं, मेडिकल फील्ड में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, BCom या बैचलर्स डिग्री करें, प्रेफरेंस दें। बेशक आपके FSC में नंबर्स कम आ गए हैं, तो बजाय FSC को रिपीट करने के या डिप्लोमा वगैरह करने के, दोबारा बैचलर्स डिग्री करें, आगे कंटिन्यू करें फर्दर अपनी स्टडीज़ को। अच्छा, अगर जो स्टूडेंट्स जॉब के लिए सोचते हैं कि फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्हें स्टडीज़ की नहीं, अभी फर्दर इंटरमीडिएट के बाद जॉब करनी है, तो उनके लिए कौन कौन सी जॉब्स हैं, व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स यू कैन ज्वाइन आफ्टर पासिंग इंटरमीडिएट, उसके लिए आप सबसे पहले जो है कमीशन जॉब्स हैं। कमीशन आर्मी में आप अप्लाई करें, पाकिस्तान नेवी में, पाकिस्तान एयरफोर्स में आप सबसे पहले आप कमीशन के जो है वो अप्लाई करें। कमीशनिंग के लिए आपके इनिशियल एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए आपके पास 3 चांसेस होते हैं इनिशियल के। इनिशियल पास करने के बाद आपको ISSB देना होता है। ISSB के 2 चांसेस होते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के मिला के 2 चांसेस हैं। यानी एक दफ़ा अगर आपने आर्मी में कर लिया तो दूसरी दफ़ा नेवी में कर लिया, तो आपके दोनों चांसेस अवेल कर लिया आपने। तीसरा भी चांस जो अगर एक मिलता है स्पेशल सर्कमस्टांसिस में, थर्ड चांस आपको मिलता है, वो मिलता है आप हायर डिग्रीज़ पे। फॉर एग्जांपल आपने इंटरमीडिएट पे दोनों चांस अवेल कर लिए FSC करने के बाद, तो आप फिर बैचलर्स जो 4 ईयर डिग्री है BS वो करें, या मास्टर्स डिग्री किसी में भी MS वगैरह करके, तो आप थर्ड चांस जो आपका है वो आप अवेल कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन के लिए। फर्दर फिर इसकी डिटेल्स जो हैं, आर्मी में कमीशन, नेवी में कमीशन, एयरफोर्स में क्या प्रोसीजर्स होता है, कब कमीशन की जो ऐड है वो आता है, और किस तरह आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इनिशियल की,
इनिशियल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इनिशियल में क्या क्या होता है, ये फर्दर इसकी वीडियोस आएंगी आपके लिए, लेक्चर्स कंप्लीट, जो नोट्स हैं आपके इनिशियल्स के, वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह के कंप्लीट नोट्स आपको फर्दर वीडियोस में मिलेंगे, आपको कंप्लीट गाइडेंस के साथ, जब 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 इसका एड अनाउंस होगा उसी के साथ हम इसके लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे, और जो एड्स अनाउंस होंगे वो भी आपको, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें टॉर्च बियर को, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको जो जॉब्स आएंगी जब भी अनाउंस होंगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फर्दर इसके बाद आप क्या ज्वाइन कर सकते हैं, अगर कमीशन इन केस आप रह जाते हैं या नहीं क्वालिफाई कर सकते, कमीशन की हाइट का प्रॉब्लम आ गया या कुछ और मेडिकल का इश्यूज आ गया है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप पाकिस्तान रेंजर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स में क्या आप सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट, आप FSC के बाद डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर पंजाब रेंजर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद। FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसमें आप FIA है, इस जॉब के लिए आप ASI के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF में भी आप इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटर अगर आपने इंटर किया हुआ है, सिंपल FA किया है या FSC वगैरह किया है, ICOM किया, ICS किया है, तो आप या 3 साल का आपने डिप्लोमा किया है तो आप ASI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर फिर पुलिस डिपार्टमेंट आ जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस्लामाबाद पुलिस है आपके पास, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस है, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस है, प्रोविंशियल पुलिस है, इनमें आप जो है जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंटरमीडिएट करने के बाद। पाकिस्तान कस्टम्स डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं इंटर के बाद, ASI वगैरह की जॉब्स हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, इन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं इंटरमीडिएट करने के बाद। फिर सिविलियन कैंडिडेट्स के जो जॉब्स होती हैं एज ए सिविलियन, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं इंटरमीडिएट करने के बाद, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स हैं, वापटा की जॉब्स हैं, पाकिस्तान आर्मी में सिविलियन की जॉब्स हैं, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, MES की जॉब्स हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होती है ये, इसमें जॉब्स हैं, एटॉमिक एनर्जी में जॉब्स हैं आपके लिए इंटरमीडिएट करने के बाद, ऑयल एंड गैस डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छी सैलरीज होती हैं इनकी, इनकी जॉब्स हैं आपके लिए, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है FBR, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब की जो गाइडेंस है उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है टॉर्च बियर इंस्टीट्यूट जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल टॉर्च बियर इंस्टीट्यूट।